तीन चार कानून एवं व्यवस्था को सुचारू एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस तंत्र किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। आमजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कानून एवं शांति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। वीरवार को जिला पुलिस ने गोपनीय मॉक ड्रिल के तहत जिला अदालत परिसर में तैनात पुलिस सुरक्षा ड्यूटियों को परखा। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सुभाष चंद्र ने दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस के रूटीन वर्क के तहत समय समय पर की जाने वाली मॉक ड्रिल को वीरवार को अदालत परिसर कुरुक्षेत्र में किया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस द्वारा व बम निरोधक दस्ते की कार्य प्रणाली को परखा गया। मॉक ड्रिल में सभी विभागों की टीमों ने समय रहते अपना अपना कार्य बखूबी निभाया। बम निरोधक दस्ता अंबाला की टीम ने अदालत परिसर में मॉक ड्रिल के तहत रखे गए विस्फोटक पदार्थ को स्वाम और बम निरोधक यंत्रों के माध्यम से ढूंढ निकाला और उसे एकांत स्थान पर ले जाकर डिस्फ्यूज किया। सभी टीमों ने समय की नजाकत को समझते हुए सूझबूझ से कार्य करने का परिचय दिया। मॉक ड्रिल करवाने का मुख्य उद्देश्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने और मानसिक रूप से तैयार रहने के प्रति प्रोत्साहित किया जाना था। उन्होंने बताया कि इस तरह के मॉक ड्रिल के द्वारा जवानों को आधुनिक हथियारों से रूबरू और उनके इस्तेमाल के प्रति पारंगतता को परखा जाता है। डीएसपी ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में शांति स्थापित करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना भी पुलिस का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र पुलिस हर प्रकार की विषम परिस्थितियों में निपटने के लिए तैयार व सक्षम है। सुचारू कानून व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण हालातों को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक शरारती तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के लिए उनके खिलाफ तुरंत नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को विस्फोटक पदार्थ को लेकर के सीक्रेट मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसके तहत एक सूचना मिली थी कि एक लावारिस बैग कोर्ट कम्प्लेक्स में रखा हुआ है, जो ये सीक्रेट रूप से किसी का मॉक ड्रिल के लिए रखवाया गया था। उसके बाद सभी विभागों की पुलिस विभाग ने, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड विभाग ने तत्परता परखने के लिए तो ये कार्रवाई की गई थी, जो सभी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी ड्यूटी समय पर पहुंच कर बखूबी निभाई और अंबाला बम निरोधक टीम ने समय पर पहुंच कर विस्फोटक को ढूंढ निकाला और सभी का कार्य संतोषजनक रहा। अनिल दोन तारखेला बघू सचिन बघू उभा ताकत अनिल आप करो।